ये सोनू कहाँ है? सोनू मार 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 उसको मार, इधर 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 आ, सेफ जोन में, सेफ जोन में। हाँ सोनू हाँ बाहर आओ, आ रहा आ रहा। हाँ पापा बोलिए। क्या कर रहे थे? मोबाइल अरे पापा मो, चला रहे थे ना? अरे नहीं वो क्या नहीं? सोनू थोड़ा पढ़ भी लिया करो। अच्छा, सुनो यहाँ आओ, बैठो बैठो यहाँ पे आओ, चलो आओ। पता है तुम्हें, हमारे जमाने में ये गेम नहीं खेल हुआ करते थे। लेकिन ये गेम और खेल तो दोनों एक ही है ना पापा, इन दोनों में क्या अंतर है? नहीं बेटा, इन दोनों में बहुत अंतर है। आज मैं तुम्हें बताता हूं। गेम का मतलब वो होता है जो तुम मोबाइल में खेलते हो, और खेल का मतलब, आओ मैं तुम्हें आज बताता हूं। हाँ उस समय खेल का मतलब होता था कबड्डी, गिल्ली डंडा खेलना, कंचे से खेलना, नदी में तैरना, दौड़ लगाना, ऊंची कूद, लंबी कूद, न जाने कितने खेल हुआ करते थे। और गर्मी के दिनों में जब आम होता था तो हम लोग कच्चे आमों को तोड़कर उसको आग में भूनते थे, वो भी लकड़ी के आगों में। उस समय ये गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था। उसको भूनने के बाद उसमें नमक डाल के उसको पी जाते थे, वह बहुत ही ठंडा करता था और शरीर के लिए शुद्ध भी था, लाभदायक भी था। आज के खेल, आज बस खेलों में केवल मोबाइल रह गया है, केवल मोबाइल, सिर्फ मोबाइल ले लो और बस मोबाइल में दिन भर डूबे रहो। पहले के बच्चे कबड्डी खेलते थे तो उनका शरीर स्वस्थ रहता था, शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ दिमाग भी स्वस्थ रहता था। और दौड़ लगाने से, ऊंची कूद, लंबी कूद, शरीर में स्फूर्ति रहती थी। तो ये था हमारे जमाने का खेल। अब समझ में आया तुम्हें गेम और खेल में क्या अंतर है? यही अंतर है। ठीक है बेटा, जाओ जाओ जाओ। अब तुम्हें करना है कि तुम दिन भर मोबाइल में गेम खेल के अपने आंखों को खराब करोगे, या बाहर के जो खेल हैं वो खेल के अपने शरीर में स्फूर्ति और शरीर को स्वस्थ रखना चाहोगे। जाओ बेटा। नहीं पापा, आज से मैं भी मोबाइल में गेम नहीं खेलूंगा। आज से मैं भी बाहर जाऊंगा, दौड़ लगाऊंगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, और दोस्तों के साथ कबड्डी खेलूंगा। धन्यवाद पापा मुझे समझाने के लिए। तो अभी आप सभी ने देखा सोनू और सोनू के पिता की कहानी। कहानी क्या, ये छोटा सा किस्सा था जो आजकल कहीं देखने को नहीं मिलता है, वो गेम और खेल का फासला, वो गेम और खेल में दोनों में अंतर आपको पता चली गया होगा। अब आजकल के पिता लोग कहीं और बिजी, बच्चे हमेशा मोबाइल में बिजी, खेल नहीं गेम खेलना है, मोबाइल के अंदर गेम खेलना है। शरीर बिगड़ता जा रहा है, शरीर फूलता जा रहा है सबका, सभी बच्चों का। बाहर जाएंगे मिट्टी लग जाएगी, बड़े घरों के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे मिट्टी लग जाएगी, मिट्टी गंदगी है। पहले के बच्चे कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, वो पूरा मिट्टी में ही, मिट्टी पहले शुद्ध था, अभी गंदा हो गया है, लोगों की सोच गंदी हो गई है। तो अभी बच्चों को खेल सिखाना है, न कि गेम सिखाना है। बच्चों को तुरंत मोबाइल दे देते हैं माँ बाप, नहीं, बच्चों को खेल सिखाना है, गेम नहीं सिखाना है बच्चों को। तो इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राम राम।